इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में हमें तीन बातें देखनी हैं: इसकी भूमिका, राज्य का स्वरूप व विशेषताएं, उसके बाद में राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य अकेले रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वह एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु क्या मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अकेले रह करके अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए उसको राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य का विकास तीन चरणों में होता है। पहला चरण परिवार है। दूसरे चरण में कई परिवार मिलकर गांव का रूप धारण कर लेते हैं और तीसरे चरण में कई गांव मिलकर नगर राज्य की उत्पत्ति करते हैं। तो अरस्तु मानता है कि सबसे पहले परिवार बनता है, उसके बाद में कई परिवार मिलकर के एक गांव का निर्माण करते हैं और कई गांव मिलकर के एक नगर राज्य की स्थापना करते हैं या एक राज्य की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में राज्यों को नगर राज्य बोला जाता था, जबकि वर्तमान समय में राज्यों को राष्ट्र राज्य बोला जाता है। राज्य मनुष्यों का अंतिम पूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। यह पूर्ण जीवन बिताने में सहायक होता है। देखो, अरस्तु मानता है कि राज्य पूर्ण जीवन बिताने में सहायक होता है। केवल जीवन बिताने में सहायक नहीं होता है, बल्कि पूर्ण जीवन बिताने में सहायक होता है। जीवन तो जानवर पशु पक्षी भी बिताते हैं, लेकिन उनका जीवन पूर्ण जीवन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास राज्य नहीं होता है। राज्य केवल मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है और मनुष्य राज्य का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि वे राज्य में रह करके पूर्ण जीवन बिता सकें, एक अच्छा जीवन बिता सकें। राज्य में मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाले बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास का अवसर मिलता है, यानी कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। अब देखते हैं राज्य का स्वरूप एवं विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था। अरस्तु से पहले जो प्लेटो हुए हैं, तो प्लेटो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, जबकि अरस्तु क्या मानता है, राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है। अरस्तु का मानना है कि विवेकशील मनुष्य अपने हित की वृद्धि करना अपना नैतिक दायित्व मानता है और मनुष्य का यह हित राज्य में ही पूरा हो सकता है। अतः है मनुष्य राज्य के नियमों का पालन करता है। यानी कि मनुष्य राज्य के नियमों का पालन क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य जानता है कि राज्य के नियमों का पालन करने से उसका नैतिक उत्थान होगा या उसके नैतिक हितों की पूर्ति होगी, इसलिए मनुष्य राज्य के नियमों का पालन अपनी इच्छा से करता है, जबकि प्लेटो राज्य को कृत्रिम मानता है। कृत्रिम मानने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि राज्य व्यक्ति पर अपने नियमों को थोपता है या जबरदस्ती लागू करता है, लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं मानता। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से राज्य के नियमों का पालन करता है। इसका मतलब है कि राज्य क्या है, एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार राज्य के नियमों का पालन करने का एक नैतिक आधार बन जाता है, अर्थात मनुष्य अपने हित के लिए राज्य के नियमों का पालन करने लगता है। यानी कि मनुष्य अपनी इच्छा से राज्य के नियमों का पालन करता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है। राज्य को प्राकृतिक मानने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसका विकास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है। यानी कि पहले परिवार बना, उसके बाद में परिवारों को मिला करके एक गांव बना, फिर काफ़ी गांवों को मिला करके
एक राज्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार राज्य का निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हुआ है। कोई भी व्यक्ति परिवार को कृत्रिम नहीं मानता है, कोई भी व्यक्ति परिवार को कृत्रिम नहीं मानता है बल्कि प्राकृतिक मानता है, स्वाभाविक मानता है। तो राज्य का निर्माण भी परिवार से ही होता है। इसका मतलब राज्य भी क्या है, एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है नगर राज्य समाज का श्रेष्ठ संगठन। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय है। इससे मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उतनी किसी दूसरे समुदाय में नहीं होती। परिवार तथा गांव केवल कुछ मौलिक आवश्यकताएं ही पूरी करते हैं, लेकिन मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताएं नगर राज्य में ही पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार नगर राज्य समाज का श्रेष्ठ संगठन है, सर्वोच्च संगठन है। तीसरा पॉइंट है राज्य का आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भरता का अर्थ है सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करना। परिवार तथा गांव द्वारा मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति अधूरे रूप में होती है, जबकि राज्य द्वारा न केवल इनकी पूर्ति पूर्ण रूप से होती है बल्कि इनके साथ साथ मनुष्य की उच्चतर बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। तो इस प्रकार राज्य आत्मनिर्भर होता है, वह व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो बौद्धिक हों, नैतिक हों या फिर भौतिक प्रकार की आवश्यकताएं हों। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा है राज्य का एकत्व व बहुत्व। प्लेटो ने राज्य के एकत्व पर बहुत बल दिया था, लेकिन अरस्तु इससे सहमत नहीं है। उसका मानना है कि यदि राज्य में एकता होगी तो वह राज्य ही नहीं रहेगा। राज्य के विविध तत्व विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए उसे अधिक उत्कृष्ट बनाते हैं। राज्य में एकता तो होनी चाहिए, लेकिन यह कठोर अनुशासन के द्वारा व्यक्तियों के विभिन्न भेदों का अंत करके स्थापित नहीं होनी चाहिए। जो प्लेटो है वह राज्य के एकत्व पर बल देता है, यानी कि सभी व्यक्ति एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे कार्य करने चाहिए। जैसे प्लेटो कहता है कि राज्य में तीन वर्ग होने चाहिए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग। इनके अलावा समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, और इन वर्गों के व्यक्ति हैं वे सभी एक जैसा ही कार्य करें, तो इससे राज्य में एकत्व उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अरस्तु इस एकत्व से सहमत नहीं है। अरस्तु मानता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के तत्व होने चाहिए, तभी राज्य अधिक उत्कृष्ट बन सकता है। तो इस प्रकार अरस्तु प्लेटो के एकत्व का विरोध करता है और राज्य के बहुत्व पर बल देता है। लेकिन अरस्तु यह भी मानता है कि राज्य में एकता तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्लेटो एकत्व पर बल देता है उस प्रकार का एकत्व नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्तियों पर कठोर अनुशासन लागू नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों के मध्य जो अंतर है, जो भेद है, उसका अंत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा है राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, अतः है इससे पता चलता है कि पहले व्यक्ति होते हैं और बाद में वे मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्ववर्ती नहीं है बल्कि व्यक्ति राज्य से पूर्ववर्ती है, यानी कि व्यक्ति राज्य से पहले आता है और राज्य बाद में आता है। यानी कि पहले व्यक्तियों का जन्म होता है, फिर व्यक्ति मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसका मतलब व्यक्ति पूर्ववर्ती है और राज्य उसके बाद में आता है। लेकिन यह बात भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो, लेकिन अरस्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य को व्यक्ति का पूर्ववर्ती मानता है। देखो, ऐतिहासिक दृष्टि से तो
व्यक्ति राज्य से पूर्ववर्ती है, व्यक्ति राज्य से पहले आता है, लेकिन अरस्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य को व्यक्ति से पूर्ववर्ती मानता है, यानी कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, नगर राज्य परिवार और व्यक्ति से पूर्ववर्ती है क्योंकि समष्टि आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती होती है। समष्टि का मतलब एक बड़ा निकाय, एक या एक बड़ी वस्तु, तो समष्टि का मतलब होता है एक बड़ी वस्तु। तो जो बड़ी वस्तु है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बड़ी वस्तु के अंदर जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उस बड़ी वस्तु में से एक छोटी वस्तु को बाहर कर दिया जाए तो भी उस बड़ी वस्तु का अस्तित्व रहेगा। लेकिन यदि बड़ी वस्तु को ही समाप्त कर दिया जाए तो उन छोटी वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वह व्यक्तियों से पूर्ववर्ती है, यानी कि राज्य एक बड़ा अंग है। यदि राज्य समाप्त हो जाएगा तो व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रहेगा। व्यक्ति का महत्व तभी है जब तक वो राज्य में रहते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि समूचा शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसके अंगों को जीवित नहीं किया जा सकता है। आंगिक दृष्टिकोण से समष्टि व्यष्टि से पहले आती है। समष्टि का मतलब बड़ी वस्तु और व्यष्टि का मतलब उस बड़ी वस्तु के अंदर छोटी छोटी वस्तुएं। तो जिस प्रकार हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर का हाथ है वो एक अंग है। यदि हमारा हाथ खराब हो जाए तो भी पूरा शरीर बचा रहेगा, शरीर का अस्तित्व रहेगा। लेकिन यदि हमारा शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो शरीर के अंगों का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। व्यक्तियों का अस्तित्व तभी संभव है जब राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। तो इस प्रकार राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। अब देखते हैं राज्य के कार्य एवं उद्देश्य। राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। यदि राज्य की सत्ता केवल जीवन व्यतीत करने के लिए ही होती तो दासों और पशुओं के भी राज्य बन जाते, लेकिन संसार में ऐसा राज्य संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। तो अरस्तु क्या कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है बल्कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए है। यदि राज्य सिर्फ जीवन व्यतीत करने के लिए होता तब तो पशुओं, जानवरों, पक्षियों के भी राज्य होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे राज्य नहीं हैं। राज्य के उद्देश्यों व कार्यों के संबंध में अरस्तु सकारात्मक दृष्टि रखता है। अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्य इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला कार्य है भलाई को प्रोत्साहन। राज्य का प्रमुख दायित्व यह है कि वह अपने नागरिकों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसा करके ही वह नागरिकों को ईमानदार और न्यायनिष्ठ बना सकता है। दूसरा है श्रेष्ठ गुणों का विकास। अरस्तु का मानना है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है। राज्य परिवारों एवं गांवों का पूर्ण तथा आत्मनिर्भर संगठन है, जिसके द्वारा व्यक्ति सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा है नैतिक और मानसिक शक्तियों का विकास। अरस्तु का मानना है कि राज्य का सदस्य होकर ही मनुष्य पशु से ऊपर उठ सकता है और मनुष्य बन सकता है। अतः है राज्य का उद्देश्य मनुष्य का उच्चतर नैतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व लोगों की भलाई करने के लिए है, लोगों का कल्याण करने के लिए है, केवल जीवन बिताने के लिए नहीं है। मनुष्य राज्य का निर्माण इसीलिए करते हैं ताकि वे एक अच्छा जीवन बिता सकें, एक सद्गुणी जीवन बिता सकें। तो इस प्रकार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति को एक अच्छा जीवन प्रदान करे, एक उत्तम जीवन प्रदान करे और व्यक्ति में सद्गुणों का
विकास करे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में हमने देखा कि राज्य का स्वरूप और विशेषताएं, और उसके बाद में देखा कि राज्य के क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, व्यक्ति राज्य का निर्माण क्यों करते हैं।